अधिकारी कंट्रोल कर रहे हैं और उनको कार्यक्रम में बोला नहीं दिया, बोलने नहीं दिया जा रहा। जो भी मेरे मुख्यमंत्री को रत्ती भर भी जानता है वो जानता है। नीतीश कुमार को किसी भी सभा में नहीं बोलने दिया जा रहा है, उनको बोलने से परहेज करने को कहा गया है। वहीं नीतीश कुमार की अब उम्र हो चुकी है और नीतीश कुमार को अब संन्यास लेना चाहिए राजनीति से और मुख्यमंत्री पद 2025 में छोड़ देना चाहिए। इसका जवाब चिराग पासवान दे रहे हैं, तो आइए सुनते हैं चिराग पासवान क्या कुछ बोल रहे पूरे मामले को लेकर। अधिकारी कंट्रोल कर रहे हैं और उनको कार्यक्रम में बोला नहीं, बोलने नहीं दिया जा रहा। जो भी मेरे मुख्यमंत्री को रत्ती भर भी जानता है वो जानता है कि वो किस तरीके से मजबूत इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति हैं। मैंने बार बार कहा है कि उनकी नीतियों से, उनकी सोच से, उनकी रणनीतियों से आप सहमति या असहमति दर्ज करा सकते हैं, पर कोई मेरे मुख्यमंत्री को कंट्रोल करे, मुझे नहीं लगता कि मेरे मुख्यमंत्री की कार्यशैली को जो भी दशकों से देख रहा होगा वो इस बात से कभी सहमत होगा। पुनः मैं दोहराता हूँ, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, व्यक्तिगत आरोप, व्यक्तिगत टिप्पणी यही बाकी रह गया है विपक्ष के हाथों में। रिटायरमेंट ले लेना चाहिए नीतीश कुमार को, विपक्ष के लोग कह रहे हैं अब 25 में रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। जो लोग ये सपना देख रहे हैं उन लोगों को शायद इस बात की जानकारी है कि मुख्यमंत्री जी के ही नेतृत्व में आगामी 2025 का चुनाव एनडीए का गठबंधन लड़ने जा रहा है। तो आपने सुना चिराग पासवान को किस प्रकार से बता रहे हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और जो लोग बोल रहे हैं नीतीश कुमार के बारे में वो सपना सजाए रखे और उनको पता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव किसके नेतृत्व में हम लड़ने वाले हैं और क्या आगे होने वाला है। आरोप लगाने वाले कुछ भी आरोप लगाते हैं लेकिन नीतीश कुमार जो है जिस प्रकार से राजनीति करते हैं सभी लोग जो उनको जानने वाले हैं सभी को पता है नीतीश कुमार क्या चीज है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप, बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshant.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।